अस्सलामुअलैकुम, हाय, कैसे हैं आप? तो मैं अगर कढ़ाई में तेल 5 चमचे डाली, 5 चमचे डाले बाद में उसके अंदर ऐसा कि भुट्टे डाली, भुट्टे का जो रहता ना, मतलब जो सीजनल जो बारिश में भुट्टा आता ना, वो स्वीट कॉर्न के टाइप का लग रहता, वो जरा मोटा रहता, जो कोला भुट्टा जो चबा के खाते भुन के खाते वो अलग रहता, उसमें दो टाइप के रहते। फिर मैं इसको ऑन करी, ऑन करे बाद में इसके अंदर गर्म हो जाए तेल चेक कर रही थी। इसके बाद है सो कि फिर मैं इसके अंदर भुट्टा डाली, भुट्टा डाले बाद में पूरा तोड़ के रख ली थी इसके अंदर, इसको गर्म है भाप निकल रहा सो देखी। इसके बाद मैं इसके अंदर नमक हिसाब से और मिर्ची डाली 1.5 चम्मच और हल्दी 1/2 चम्मच डाली, डाल के इसके अंदर तेल तो पहले से था उसको फुल मिलाते गई तो वो ना खट मिठा और मिर्ची का मिला के इतना अच्छा टेस्टी रहा था, इतना अच्छा टेस्टी लग रहा था, देख सकते हैं आप। तो ये लोग ये डाइटिंग जो कर रहे हैं लोग भी खा सकते हैं, ये एक तरह का प्रोटीन रहता। मैं ये खाया बोल रहा था तो इसमें घर के पास भुट्टे वाला पुकारा था तो मैं ले ली थी। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कैसा लगा। मैं और वीडियोस बनाती हूँ, मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। देखिए मैं इसको सॉटे करते जा रही हूँ, मिलाते जा रही हूँ। इसके नीचे मिर्ची का मसाला पूरा नीचे से डला हुआ था, ये जो जब अपन क्रंच से जब चबा के खाते इसको, जब खाते वक्त ना इसके अंदर मतलब मीठा और मिर्ची का दोनों तरह के निकलता टेस्ट निकलता, बहुत मज़े का दिखा था मेरे को ये खाते वक्त। मेरा फेवरेट है ये डिश बारिशों के टाइम पे, मैं इसको बहुत हेल्दी भी है। देखिए मैं मतलब मैं ज़्यादा इसको वो नहीं करी थी, मतलब कड़ला नहीं तली थी, लाइट तली थी। क्यों बोलते सर, कड़ला तले तो ना ज़्यादा खट्ट हो जाता, चबाने में खुद दांतन दर्द होते, इसलिए मैं इसको लाइट ही तल के सॉटे कर ली थी। ये बहुत मज़े का है, आप इसको ना डिज़र्ट टाइप भी की तरह से भी खा सकते हैं, इसको आप थोड़ा मायोनीज और दही के साथ भी खा सकते हैं। बाय, अल्लाह हाफिज़।